वो बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे याद हैं आपको? हाँ, आजकल बाबा बन गए। नाम है जगत गुरु रामानुजाचार्य गुप्तेश्वर महाराज जी। कुछ दिन बाद उनके नाम के आगे 1008 लग जाए तो आश्चर्य नहीं। लेकिन आखिर गुप्तेश्वर पांडे जी ने डीजीपी का पद छोड़ क्यों दिया? ऐसा क्या हो गया? क्या खलबली मची? लोगों ने तो कयास लगाए कि नीतीश बाबू ने उनको टिकट नहीं दी और वो चाहते थे मंत्री बनना, लेकिन कुछ गड़बड़ी ऐसी हुई कि एकदम से मोह भंग हो गया। मोह भंग क्या हो गया उनका और क्यों हो गया, उनसे जब पूछा गया तो कहे कि मैं एमपी मंत्री बन के क्या कर लेता, मैं सिस्टम में अच्छे लोग चलते कहाँ हैं। सुनिए जरा उनको। मैं अपने प्रारब्ध को मानता हूँ कि मेरे प्रारब्ध में वो नहीं था और ईश्वर ने मुझसे कुछ बहुत बड़ा और बहुत अच्छा कराने का संकल्प बनाया था, मुझे नरक में जाने से बचाने के लिए, मुझे उस कीचड़ और गंदगी में जाने से बचाने के लिए एक ईश्वरीय विधान था, एक ईश्वरीय योजना थी जिसके तहत मेरा प्रवेश हुआ अध्यात्म जगत में। टिकट मिल जाता तो हम कौन बड़ा काम कर देते, आप बताओ। ठीक है, हम एमपी हो जाते, हम मंत्री भी हो जाते तो बहुत अपने, ये 60 से अधिक की उम्र हो गई, इस 60 साल में हमने हजारों आदमी को विधायक बनते हुए देखा, एमपी बनते हुए देखा, मंत्री बनते हुए देखा, और वहाँ से गिरते हुए भी देखा, फिर ऊपर जाते हुए देखा, फिर गिरते हुए जाते देखा, किसने क्या किया वो सब भी देखा। अच्छा, राजनीति में उन्होंने दोबारा कभी नहीं लौटने की कसम खा ली, संकल्प बोल रहे हैं वो, उनके शब्दों में आजकल बाबा बने तो शब्द संकल्प इस्तेमाल कर रहे हैं वो, लेकिन वो कभी नहीं लौटेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म के लिए काम करूंगा और सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं मैं उनकी तारीफ करूंगा, और जो लोग सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं वो नरक में जाएंगे। उनका इशारा स्टालिन के बेटे और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की तरफ था। सनातन के लिए जो काम करेगा हमको अच्छा लगता है, इससे मेरा लाइन तो अब आपको क्लियर पता चल गया। वेद को नहीं जला, मनुस्मृति को नहीं जला रहे हैं, रामचरितमानस को नहीं जला रहे हैं ना, तो हम तो एकदम सीधा, मेरा लाइन है जो सनातन के विरोध में खड़े हैं वो अज्ञानी लोग हैं, उनसे मेरा कोई द्वेष नहीं है, मैं उनके साथ सहमत नहीं हूं। एकदम टोटल वोट और कुर्सी के लिए है, ऐसे लोग नरक में जाएंगे। एक बात चलती है कि ब्राह्मणों का जातिवाद में क्या रोल है, क्या जातिवाद को बढ़ाने में ब्राह्मणों ने अपने लिए कुछ ऐसी विशेष सुविधाएं रखी, विशेष अधिकार रखा जिससे दूसरी जातियों के प्रति कुछ गड़बड़ या कमतरी का एहसास है, उसके बारे में क्या बोला उन्होंने, सुनिए। ब्राह्मण सनातन संस्कृति का रक्षक है, ध्वजावाहक है। ब्राह्मण नहीं रहेगा तो सनातन भी नहीं रहेगा, सनातन नहीं रहेगा तो सनातन की संस्कृति नहीं रहेगी और वैसी ही राक्षसी संस्कृति फैल जाएगी। इस पर तो अलग से एक डिबेट करने की जरूरत है कि ब्राह्मण क्या होता है, ब्राह्मणवाद क्या होता है और सनातन क्या होता है। जातिवाद का बढ़ावा देने में 100% पॉलिटिशियंस का हाथ है, चाहे हर जात के पॉलिटिशियन, उसमें कोई एक जात की बात नहीं, एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, हर पार्टी के राजनेताओं ने जानबूझ करके जातवाद को बढ़ावा दिया है, आज भी दे रहे हैं, क्योंकि वोट का एक बहुत बड़ा आधार है। जनता को जब बांट दोगे, तुम अगड़े तुम पिछड़े, पिछड़े में भी कौन पिछड़े, दलित दलित में भी कौन दलित, तो महादलित, तो पता नहीं कितने कितने आदमी को, जनता को बांटने का काम राजनीति करती है, धर्म तो जोड़ने का काम करता है। बाबा बन गए हैं वो, लेकिन अभी भी नीतीश बाबू और लालू जी बहुत याद आते हैं उनको, नहीं याद आते तो सुनिए वो क्या बोल रहे हैं, याद ही तो आ रहे हैं इसमें, सुनिए। मेरा किसी से कोई विरोध ही नहीं, हमारे नीतीश जी से भी अच्छे ही संबंध थे और लालू जी के साथ व्यक्तिगत संबंध हमारे लालू जी से बहुत अच्छे थे, और लालू जी को मैं बहुत ही जिंदा दिल मस्त इंसान मानता हूँ। उनके बारे में बहुत ही सब किमतियाँ चलती हैं कि ऐसे बेइज्जत करते थे, तब से उनसे खैनी बनवाते थे। कोई एक उदाहरण दे दे कि लालू जी ने किसी अधिकारी को अपमानित किया हो, किसी आईएएस आईपीएस अफसर को सस्पेंड करके, उसको प्रोसीडिंग करके और उसका पीछा, उनको जो गाली देते थे लो, उनका भी नुकसान कभी लालू यादव ने नहीं किया। एक बात जरूर है, एक बहुत बड़ी चीज़ अपने नौकरी के आखिरी दिनों में वो सुशांत राजपूत जी वाला केस आया था और उसमें उनकी भूमिका बड़ी क्रूशियल थी। वो संपर्क में थे महाराष्ट्र पुलिस के, बिहार पुलिस का
एक बड़ा व्यक्ति आईपीएस ऑफिसर वहां गया भी था इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, भगा दिया गया बाद में। वो क्या क्या हुआ उस समय और तत्कालिक स्थितियां क्या थी, महाराष्ट्र पुलिस क्या सहयोग कर रही थी नहीं कर रही थी, इसको याद करते हुए उनको थोड़ा सा दुख होता है और वो एक आरोप लगाते हैं और आरोप बहुत बड़ा है, सुनिए। तत्कालीन मुख्यमंत्री से महाराष्ट्र से मेरी थोड़ी बात हुई, लेकिन मुझे अनुमान है मेरा कि पूरी महाराष्ट्र सरकार नाराज थी, वहाँ के गृह मंत्री जो जेल गए, वहाँ के पुलिस कमिश्नर जो अभी फरार हैं परमवीर सिंह, वहाँ के एक माननीय सांसद भी थे, नाम लेना उचित नहीं है, वो भी जेल गए। तो ये सब तो मेरे से लड़ ही रहे थे, पुलिस वाले डायरेक्ट मुझसे वहाँ से नहीं लड़ रहे थे। महाराष्ट्र पुलिस का एक भी कोई वरीय पदाधिकारी हमारे सामने नहीं आया, खुला मंच पर भी नहीं आया, क्योंकि गलती सारे कर रहे थे। हमें गलती को मैं एकदम बिल्कुल अपनी जगह पर सही था, हमने केस कर दिया। भाई आप कह रहे हैं आपको केस करने का पावर नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं ना कहा, मान लिया कि हमने जो किया वो ठीक किया। हमने टीम भेज दिया बना करके, आप कह रहे हैं हमारे इलाके में आकर आप केस का इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। भाई यही बात आप, हम फोन कर रहे हैं आप फोन नहीं उठा रहे हैं, वहाँ के डीजी उठा नहीं रहे हैं, वहाँ के होम कमिश्नर फोन नहीं उठा रहे हैं, कोई आदमी कम्युनिकेशन बनाना ही नहीं चाहता। आप बोल देते कि आपको राइट नहीं है, आप मत हमारे यहाँ टीम भेजिए, हम टीम वापस बुला लेते, हम कोर्ट के माध्यम से आपके यहाँ जाते। आप तो इतना पर वैसे आजकल बाबा गुप्तेश्वर महाराज जी विदेशों में कथा कर रहे हैं, कई जगह ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, ब्रिटेन में, स्कॉटलैंड में, सब जगह घूम घूम के कथा कर रहे हैं। पैसा भी जो कथा में लगता है वो भक्तजन ही दे रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरा उद्देश्य आवागमन से मुक्ति है, इस दुनिया में आना और जाना जो लगा है उससे मुक्ति पाना है, 84 लाख योनियों से मुक्ति पाना है, घर परिवार सगे संबंधी तब तक हैं जब तक पैसा और पद है, और विरक्ति जो मुझे हो चुकी है वो हो चुकी है, भगवान ने मुझे रास्ता दे दिया है, मैं बस अब लोगों को एक करने के लिए, जाति मजहब की लड़ाई को रोकने के लिए काम करूँगा और सनातन धर्म के लिए काम करूँगा। तो चलिए देखते हैं गुप्तेश्वर महाराज जी आगे और क्या करते हैं।